हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम क्लास 11 का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन में हमें एक सेट दिया था ए, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। हमें इसके पावर सेट लिखने थे, तो इसके पावर सेट बनेंगे 8। तो 2 की पावर 3, पावर सेट कितने बनते हैं, फॉर्मूला 2 की पावर 3। तो वहाँ से 8 बनेंगे। 8 कैसे कैसे और कौन कौन से बनेंगे, तो ये आप लिख सकते थे यहाँ पर। एक तो ए बन जाएगा, ऐसे ही एक बी बन जाएगा, एक सी बन जाएगा, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी, एक ए बी सी और एक फाई। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ था ए बाय 4, a - 2b = 0, 6+b। इसमें ए और बी निकालना था, तो आपको बस ए बाय 4 को इक्वल्स टू 0 करना था। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है 0। ऐसे ही दूसरी बार y वाली वैल्यूज़ को इक्वेट करना था यहाँ से, a - 2b = 6+b। a की वैल्यू इसमें 0 भरते आप और b के लिए सॉल्व कर सकते थे। और में पूछा हुआ था दो सेट्स हमारे पास हैं, एक में एलिमेंट्स 3 है और दूसरे में 4 है। नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे गए थे, 3 × 4 12 नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -4x, x -7/4, ये जीपी में होंगे। तो जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशो सेम होती है, तो इसके लिए आपको x/-4/7 = -7/4/x। ये मैंने क्या किया है, a2/a1 जो लेफ्ट हैंड साइड है a2/a1 लिखा हुआ, और राइट हैंड साइड पे मैंने a3/a2, तो कॉमन रेशोस को इक्वेट कर दिया है क्योंकि ये जीपी है। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी सम। तो इसमें SN दिया हुआ है, आपको A भी दिया हुआ है, तो SN की वैल्यू हमारे पास -25 है, A की वैल्यू हमारे पास -6 है, D यहाँ से आ जाता -11/2 -6 से। यहाँ से आपका D मिल जाता है, यहाँ से D, A गिवन था, SN गिवन था, वैल्यूज पुट करनी थी, यहाँ से SN आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1+10²(15), 1 - 10²(15). तो इसमें 15 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती, 10, 15 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते थे, तो 10, 15 की वैल्यू निकाल कर पुट करते तो ज़्यादा लेंथ ही चला जाता, लेकिन ये क्वेश्चन था एक नंबर का, तो इसको करना था आपको किसी और तरीके से, शॉर्टकट से, ताकि आपका समय बचता, एक नंबर के हिसाब से आपको इसको अटैम्प्ट करना था। तो इसके लिए आपको करना ये था कि cos2x का फॉर्मूला, cos2x = 1 - 10²(x)/1+10²(x), ये फॉर्मूला अप्लाई करना था आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में 1+10²(x) ऊपर है और नीचे 1 - 10²(x) है, तो क्या हो गया, ये सीकेंट इसको रेसिप्रोकल करेंगे अगर आप, यानी कि 1+10²(x) ऊपर और 1 - 10²(x) नीचे, तो बन जाएगा हमारा secant 2x। यानी कुल मिला के secant 2x की वैल्यू निकालनी थी, secant 2x, x हमारा 15 था, तो secant 30 की वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करनी थी। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाता। इसके और में sin θ + cos θ = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2θ। sin 2θ की वैल्यू हमें निकालनी थी, आप दोनों साइड इसका होल स्क्वायर करते, इधर भी और इधर भी, तो लेफ्ट हैंड साइड बनता sin²θ + cos²θ + 2sin θ cos θ = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज बनती वो बनती sin²θ + cos²θ + 2sin θ cos θ = 1। ये 1 बन जाता और यहाँ पे ये 2sin θ cos θ sin 2θ बन जाता = 1। ये 1 से 1 कैंसिल, sin²θ की वैल्यू आती 0। उसके बाद इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, ये तो आप आसानी से कर लेते। क्वेश्चन नंबर 7 में n की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते थे n a की पावर n-1 = 108। यहाँ पे आपको n की वैल्यू n ही रखनी थी, a की वैल्यू 3, यानी कि ये बनता n 3 की पावर n-1 = 108। इसको आपको सॉल्व करना था और आंसर लाना था, और यहाँ से n आपका सॉल्व होके आ जाता। 8th में आपको पैराबोला दिया था, तो पैराबोला में आपको x और y की वैल्यू भरनी थी। यहाँ से यहाँ y भर देते 5 और x भर देते 4, यहाँ से आपका फिर 4 ही आया था, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मिल जाती है आपको। 9th में इसेंट्रिसिटी निकालनी थी, इसेंट्रिसिटी होता है हमारा c/a, a आपका इस क्वेश्चन में हो जाता 4 और b हो जाता 3। c निकाल कर वहाँ से इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला c/a अप्लाई कर सकते थे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन में कहा गया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो जो कि एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया गया है और कोऑर्डिनेट्स लिखो एल के। तो एल क्या था हमारा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 6, 7, 8 ऑन एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, देखिए ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट एल है एक्स एक्सिस पर 6, 7, 8। इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर खींचा है, तो एल जो पॉइंट होगा ना ये एक्स एक्सिस से पड़ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं ए होगी और एक्स एक्सिस पे तो वाई ज़ीरो और जेड भी ज़ीरो। इसके बाद आपको क्या करना था, इसका स्लोप निकाल लेते, स्लोप निकालते इक्वल्स टू 1/0 कर लेते। तो एक पॉइंट कंसीडर करते हम, सॉरी इसमें वो बस स्लोप की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आप सीधे एक्स एक्सिस ड्रॉ करते 6, 7, 8, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर सीधी सी बात है उसे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 6, 0, 0, तो यहीं से पॉइंट्स आ जाएंगे सीधा ही। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो इक्वल इंटरसेप्ट कट करती और पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, 3। तो इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया था इंटरसेप्ट सेम है, यानी कि एक्स बाय ए और वाई बाय ए, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट सेम है मैंने ए मान ली। उसके बाद आपको करना क्या था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 भरनी थी क्योंकि कहा गया था ये 0.2, 3 से पास करता है, एक्स की वैल्यू 2 भरनी थी और वाई की वैल्यू 3 भरनी थी। इसको सॉल्व करते यहाँ से आपका ए मिल जाता, और जब ए मिल जाता तो वही बी भी हो जाता। तो इक्वेशन में मान लेते हैं आपका ए आता 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनती है, एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, रेडियस गिवन था, एंगल गिवन था, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी, तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। वैसे इसका फॉर्मूला बनता थीटा बाय 360 इंटू 2πr, थीटा 45 यूज करना था, रेडियस आपको 20 की बनती। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स कंजुगेट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब इसका एक्स भी नेगेटिव में है और वाई भी नेगेटिव में है। जब इसका हम कंजुगेट करते हैं तो वाई यानी कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, यानी कि इसको प्लस कर दीजिए, एक्स माइनस वाई प्लस, तो एक्स माइनस वाई प्लस क्वाड्रेंट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बस इसका रेसिप्रोकल करते और रेशनलाइज करते, या पहले रेशनलाइज कर लेते जो आंसर आता है उसका रेसिप्रोकल कर देते। 13 में कहा गया एक फैमिली है 3 चिल्ड्रन की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो टोटल इसके 8 चांसेस बनेंगे। 8 चांसेस कैसे, गर्ल्स और बॉयज़। तो जैसे हम कॉइन वाला केस करते थे, हमारे पास मान लीजिए कॉइन है 3 बार टॉस किया गया है तो 8 केसेस बनते थे ना, वैसे ही इसके भी 8 केसेस बनेंगे। 8 केसेस कैसे बनेंगे, देखिए कि मान लीजिए सारे के सारे बॉयज़ हो गए, एक केस ये बन गया, ऐसे ही बी बी जी या फिर जी बी बी, इस तरह से कुल मिला के 8 केसेस बनेंगे, और इस 8 में से आपको एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल्स, कम से कम 2 चिल्ड्रन गर्ल्स होनी चाहिए, वो वाले सिलेक्ट कर लेने थे, तो कम से कम 2 चिल्ड्रन गर्ल्स होंगी, तो इसका कौन सा बनेगा, तो इसके केसेस ये बनते हैं कि कम से कम 2 गर्ल्स, तो बी जी जी या फिर जी बी जी या जी जी बी या फिर जी जी जी, यानी कि ये 4 केसेस हो गए, 4/8 कर देते, 1/2 आता। और क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको तो मैं सॉल्व करके इसका अलग से आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, इस क्वेश्चन का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे इसको, तो वहाँ आपको मिलेगा, इसमें अभी समझा नहीं पाऊंगा, स्क्रीन बहुत छोटी है, सारा का सारा कवर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसको सॉल्व कैसे करना था आपको, इसमें दिया था आपको कि NC12 इज इक्वल टू NC8, तो इसको आप ले सकते थे कि NC(n-12) इज इक्वल टू NC8। इसके बाद इस n-12 इज इक्वल टू 8 करते हैं यहाँ से आप,
एन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू एट करेंगे तो सॉल्व करेंगे एन की वैल्यू 20 आ जाएगी। उसके बाद आगे का हम आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद 20 सी टू निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन लाइन पैरेलल लाइन से फॉर्मूला सी वन बाई सी वन माइनस सी टू, ये सी वन हो जाता 7 और सी टू हमारा 5 हो जाता, सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला सीधा लग जाता। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी डायरेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी आई थिंक चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स वाला जो चैप्टर था उसमें मिल जाता आपको आराम से, और ये क्वेश्चन है मिसलेनियस के एग्जाम्पल में मिलेगा आपको। उसके बाद केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आया था आपको, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसके लिए आपको वेन डायग्राम बना लेना था, वेन डायग्राम से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप मान लीजिए या तो वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते या फिर इसको मान लेते कि आपके पास एन ए 80 है, एन टू 110 है और एन थ्री 125 है, उसके बाद इनके इंटरसेक्शंस दिए थे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आराम से इसके सारे के सारे पार्ट्स आपके सॉल्व हो जाते, या वेन डायग्राम से करते तो भी आराम से सॉल्व हो जाते। जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, देखिए इसमें 25 स्टूडेंट्स से 10 को टूर के लिए चूज़ करना था, तीन दोस्त हैं अभी राजेश श्रेया और दीपा, अच्छे दोस्त हैं काफ़ी, क्योंकि ये अच्छे दोस्त इसलिए क्योंकि कहते ये हैं ये कि या तो साथ जाएंगे या तो एक भी नहीं जाएगा, चलो अच्छी बात है इनकी। तो पहला केस ये है कि तीनों ने ज्वाइन किया, तो भाई तीन लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें सिलेक्ट कितने करने थे, बाकी 22 सिलेक्ट करने थे, 22 सी 7, इसका आंसर आएगा डी। बी पार्ट में कहा गया था कि तीनों के तीनों फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है नहीं करेंगे, तो हमारे पास रह गए 22 स्टूडेंट्स, 22 में से 10 सिलेक्ट करने हमें, तो 22 में से 10 सिलेक्ट करने हैं, 22 सी 10 यानी कि सी ऑप्शन। स्टूडेंट्स एजुकेशनल टूर के लिए किस कितने वेज में हम सिलेक्ट कर सकते थे, तो दो ही केस बनते, या तो दोनों ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, अगर दोनों ज्वाइन सॉरी तीनों ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तीनों ज्वाइन करेंगे तो 22 सी 7 और तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे तो 22 सी 7 और करेंगे तो 22 सी 10, तो ये 22 सी 7 22 सी 10 बी करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद आगे वही है, इसका आंसर निकालना था, तो राजेश के कितने वर्ड्स बनेंगे अगर हम इसको अरेंज करें, तो इसमें करीब आते हैं 1 2 3 और 3 6, तो 6p6 और ऐसे ही नेक्स्ट में दीपा, दीपा में कितने वर्ड्स है, कुल मिला के 1 2 3 4 5 5p5 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, इसमें आपको पहले बॉयज़ को बिठाना था उसके बाद गर्ल्स को बिठाना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर गिवन है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो इसके लिए आपको क्या करना था, सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 भरनी थी क्योंकि इस पॉइंट से हमारा सर्कल पास कर रहा है, सेंटर गिवन था आपको 2 और 2 यानी कि h की वैल्यू भी 2 और k की वैल्यू भी 2, तो यहाँ पे आप x की y की h की k की वैल्यू भरते, सॉल्व करके आपके पास r आ जाता, जब r आ जाता फिर से आप इसको ये लिखते x माइनस एच, एच की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 2, y माइनस के, k की वैल्यू भी 2, जो भी r आता है यहाँ पे भर देते, आप मान लेते r 4 आता तो 4 भर देते, ये इक्वेशन में जाती सर्कल की, तो इस तरह से आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह से बन जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू, तो आपको बस इसका इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकालना था और इसका स्लोप निकालना था, इस स्लोप को निकाल के दोनों का जो स्लोप आता, इन दो पॉइंट्स का स्लोप और 8 12 और x 24 का स्लोप आता है, इनको मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 1 करके x की वैल्यू आ जाती। उसके बाद नेक्स्ट में कहा गया था रेशियो में डिवाइड करना है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन है तो आपको फॉर्मूला लगाना था x का, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, वो फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू 0 करनी थी बिकॉज x वाई जेड प्लेन इसको कट कर रहा था, एक्स वाला फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू 0, बाकी इधर m1 x2 भर के आप सॉल्व करते इसका आंसर आया था आपके पास। इवेलुएट कोसिकेंट माइनस कोट एक्स, तो इसके लिए आपको लिमिट लगानी थी तो लिमिट लगाते अगर इसकी हम तो क्या बनता, को अगर आप सॉल्व करते तो 2 sin x/2 आता, तो 2 sin x/2 एक्स की वैल्यू 0 भरते तो 0 आया था। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ फिलिप्स निकालनी थी, उसकी मेजर एक्सिस यानी कि ए गिवन था और फोकाई गिवन था, आराम से आया था ये भी। 24वें में AM एंड GM दिया था हमारे को, तो AM यानी कि अर्थमेटिक मीन यानी कि A प्लस बी
अपॉन टू इज इक्वल टू टेन करते, तो ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू टेन, और अगले में रूट ए बी इज इक्वल टू एट। यहाँ दोनों को सॉल्व करते आपका ए और बी आ जाता आराम से। नेक्स्ट में कहा गया था ए और बी निकालो, तो ए और बी कैसे निकालते हम, इसके लिए आपको करना क्या था, ये ए एक्स प्लस बी पकड़ना था। तो वाई इज इक्वल टू अपने को गिवन था ए एक्स प्लस बी। तो पहले एफ वन वन की बात करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप वन भरते, वाई की वैल्यू वन भरते, तो एक इक्वेशन बनती वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसे अगली बार वाई की वैल्यू थ्री भरते और एक्स की वैल्यू टू भरते तो एक और इक्वेशन बनती। तो इस बार वाई की वैल्यू थ्री आती, टू ए प्लस बी, बस दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करते और भी आया था आपका। इंडिपेंडेंस के को अरेंज करना था तो ये आराम से आया था आपका, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, 26 भी एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन। जीपी गिवन है उसका, ए गिवन है, सेवंथ टर्म गिवन है, एस सेवन निकालना, ये भी आप आराम से निकाल सकते थे। और शो दैट द कोस 4x, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मिलेगा आपको एक्सरसाइज 3.3 का एंड में क्वेश्चन मिलेगा। और नेक्स्ट है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन था। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जी पी इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस, ये भी आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना था, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आपको रेशनलाइज करते आप अगर इन सबको पहले इंडिविजुअली अलग अलग करके रेशनलाइज कर लेना था, ये मल्टीप्लाई में है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना था आपस में, फिर रेशनलाइज कर लेना था, आ जाता आपका आपका आंसर। 32 में प्रूव करना था साइन 5x टू साइन 3x प्लस साइन x, तो इसके लिए आपको इस साइन x और साइन 5x को पहले लिख के साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाना था, उसके बाद कॉमन लेना था, आराम से आपका आंसर आता, और नीचे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 32 भी इसको सॉल्व करना पड़ता है, ये शायद आपकी बुक में नहीं है, 33 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो इसको मैं सॉल्व करके पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 32 मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33 में डोमेन, रोस्टर फॉर्म, रेंज, ये सब लिखना था। तो रोस्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखते तो एक्स की वैल्यू कहा गया था नेचुरल नंबर है और 6 से कम भरनी है, तो एक एक बार क्या करते आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक बार एक भरते, सॉल्व करते, आंसर आपका आता 6 + 1 = 7। इसी तरह से x की वैल्यू 2 भरते तो 2 भरने पे आपका आंसर आता 4, 3 भरते तो आपका आंसर आता 3, 4, 4 नहीं भर सकते आप, 4 भरेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा ना y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ कहा गया x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं, 5 भी नहीं भर सकते। और बस तो आपको भरना क्या था यहाँ पे 1, 2 और 3, x की वैल्यू 1, 2, 3, तो हमने x की वैल्यू 1 भरी तो आंसर क्या आएगा इसका, तो आंसर बनेगा इसका 7। तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे, 2 भरते ही 4, तो 2 पे 4, और 3 भरते ही, सॉरी 2 भरने पे आंसर इसका 4 नहीं आएगा, 2 भरने पे 5 आएगा, ऐसे 3 भरेंगे अगर आप x की वैल्यू तो 5 आएगा, 3 पे भी 5। तो इस तरह से आपका रोस्टर फॉर्म बनता है। डोमेन क्या आएगा, डोमेन का मतलब हम क्या क्या वैल्यू भर सकते हैं, 1, 2, 3 भर सकते हैं, 4 नहीं भर सकते क्योंकि 4 भरने पे वाई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। और रेंज में हमारे जो आंसर आए हैं 7, 5, 5, एक बार चेक कर सकते हैं आप कॉपी पे सॉल्व करके, शायद थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बट करना इसको ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन लाइन दिस एंड हेंस फाइंड इट्स इमेज। तो इसको करना क्या था आपको, ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछते ही है। तो इस लाइन पर एक पॉइंट मान लेते हैं हम a, b, तो हमें करना क्या था, 3, 8 और ab, इसका स्लोप निकालना था। और यहां से जो इक्वेशन दे रखी है अपने को x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, यहां से इस इक्वेशन का लाइन का स्लोप निकालते, जो इस इक्वेशन से स्लोप आता वो स्लोप करीब आता हमारे पास -1/3, तो परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा 3। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते, 3, 8 ए बी का स्लोप निकाल के इज इक्वल टू 3 कर देते, क्योंकि इस लाइन का जो परपेंडिकुलर आएगा उसका स्लोप 3 होगा, और ये जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप हम 3, 8 ए बी से निकाल सकते हैं इज इक्वल टू 3 करके, एक्स की जगह पे एक बार ए और वाई की जगह पे एक बार बी। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनती,
जब हम इनके स्लोप्स को इक्वल्स टू 3 करते और एक इक्वेशन यहाँ से बनती जब हम x की वैल्यू a और y की वैल्यू b भरते, दो इक्वेशन सॉल्व करते a और b आ जाता, उसके बाद इसकी इमेज निकाल देते आराम से। ट्राइंगल दे रखी थी, वर्टिसिस दे रखी थी, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए, ये भी आसान क्वेश्चन था। ए बी सी, तो ए से वर्ट यहाँ से मीडियन खींचा गया, पहले ये पॉइंट निकालना पड़ता है डी, ये कैसे आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते बी और सी कोऑर्डिनेट्स यूज करके डी आया था, ए और डी आया था, उसके बाद आप आराम से इसकी जो है इक्वेशन और लेंथ निकाल सकते थे। उसके बाद कहा गया है कि ये बैग कंटेन्स 12 आइटम्स, 4 डिफेक्टिव हैं, 2 आइटम्स को निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो आइटम डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 8C2 अपॉन 12C2। 8C2 कैसे है, क्योंकि 8 है जो सारे के सारे सही हैं, तो उन 8 में से कोई 2 चूज करने हैं तो 8C2, और नीचे टोटल 12C2। एक आइटम डिफेक्टिव आए, तो एक आइटम डिफेक्टिव आए और एक सही हो, तो इसके चांसेस क्या बनेंगे, तो चार आइटम डिफेक्टिव थे, चार में से एक डिफेक्टिव चूज कर लिया, उसके बाद 8 में से एक सही चूज कर लिया अपॉन 12C2। बोथ आइटम्स डिफेक्टिव, इसका बन जाएगा 4C2 अपॉन 12C2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 37 भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और 37 का और भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और 38 की बात करें तो 38 भी शायद एनसीईआरटी में आपको आराम से मिल जाएगा, और उसका और प्रूफ दैट साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे साइन 30 की आप वैल्यू भर देते हैं, उसके बाद साइन 10 और साइन 50 पे ये ऐसे बन जाता साइन 10 साइन 50, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते, वहां से सॉल्व करते, तो हमारा आंसर सॉल्व करते करते 1/16 आ जाता।